सोनी यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी वेनम ट्रिलॉजी की तीसरी मूवी वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो गई है एंड इसको लेके लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं। बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर आप सोनी की बाकी मूवीज से इसे कंपेयर करोगे तो इट्स एक्चुअली नॉट बैड। नहीं सीरियसली, अगर मुझे वेनम द लास्ट डांस को डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा कि ये इसके पिछले पार्ट से तो डेफिनेटली अच्छी थी फॉर श्योर। जहाँ पे ये मूवी चूकी है तो सिर्फ इसके स्टोरी में एंड विलन के ऊपर, जिसपे आगे चल के भी बात करेंगे। एंड इस वीडियो में बात करूंगा मैं सोनी यूनिवर्स के आने वाले फ्यूचर पोटेंशियल्स को लेकर, नल का इन्वॉल्वमेंट आगे आने वाले मूवीज में, एंड वेनम और एडी का क्या होगा आफ्टर द इवेंट्स ऑफ दिस मूवी। सो ये वीडियो स्पॉइलर से भरी होगी, तो अगर आपने वेनम 3 नहीं देखी तो इस वीडियो को अपने रिस्क पर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले तो मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल सी है, जो हम सबको ट्रेलर देखकर ही पता चल गई थी। बट जो मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा वो था कि मूवी की शुरुआत ही नल से होती है, जहां पे हमें नल का इंट्रोडक्शन एंड उसके बैक स्टोरी के बारे में सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। बट आई टेल यू, जितना इस मूवी में नल के बारे में बताया गया है ये उसका छोटा सा हिस्सा था। तो अगर नल की बात करें तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि नल वेनम वर्स का या स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का फाइनल बॉस है एंड ये एक एवेंजर्स लेवल विलेन है। मतलब विलेन्स के टियर लिस्ट में मैं इसे थानोस के भी ऊपर रख सकता हूँ। ही इज दैट मच डेंजरस, क्योंकि कॉमिक्स में नल का ओरिजिन कोई नहीं जानता एंड कहा जाता है जब कुछ नहीं था तब भी वो एग्जिस्ट करता था। उसके बाद सेलेस्टियल्स आए तो यूनिवर्स में रोशनी लेकर आए एंड तब से नल एंड सेलेस्टियल्स का 36 का आंकड़ा चलता था। इवन ये भी रूमर है कि प्लैनेट नोवेयर जो है, जो कि एक बड़े सेलेस्टियल के हेड में बना है, उस सेलेस्टियल को नल ने ही बिहेडेड किया था अपने नेक्रोस्वॉर्ड से। वही नेक्रोस्वॉर्ड जो गॉड द गॉड बिचर के पास होता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अक्रॉस द मल्टीवर्स। लेकिन नल रहता था अपने खुद के प्लैनेट पे, जिसका नाम होता है क्लिंटार, जहां उसके साथ रहते हैं उसी के बनाए हुए बच्चे सिम्बियोट्स, जहां सारे सिम्बियोट्स मिलके नल को उसी के प्लैनेट में कैद कर लेते हैं और कुछ वहां से एस्केप करके दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाते हैं, जहां नल को आजाद होने के लिए जरूरत होती है कोडेक्स की, जो कि मूवी में बताया भी गया है जिसके लिए इतनी भागा दौड़ी होती है। तो कोडेक्स बेसिकली एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस जैसा है जो हर सिम्बियोट्स अपने होस्ट के नर्वस सिस्टम में छोड़ देता है एंड उस कोडेक्स की मदद से सारे सिम्बियोट्स एक दूसरे से एक हाइव माइंड के जरिए कनेक्टेड होते हैं एंड उसका सिग्नल उसे बनाने वाले को मिलता है एंड वही कोडेक्स एक जरिया है नल के आजाद होने का। एंड ये कॉन्सेप्ट सुनकर ही कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है कि इस पे एक बिग बजटेड मूवी बनाई जा सकती थी, लेकिन सोनी वालों ने इसे इतने आसानी से निपटा दिया। मतलब 2 घंटे की मूवी में उन्होंने कोडेक्स को एक्सप्लेन कर दिया, अलग अलग सिम्बियोट्स दिखा दिए, नल को इंट्रोड्यूस कर दिया, इवन वेनम को भी मार दिया। बट रिसेंटली मार्वल वालों ने ऐसा कहा है कि वेनम द लास्ट डांस एडी ब्रॉक एंड वेनम के स्टोरी आर्क को कंप्लीट करके नल को सेटअप करेगा, बिकॉज फ्यूचर में वो इसे एज अ मेन विलेन की तरह यूज करना चाहते हैं, जस्ट लाइक थानोस, जिसे उस यूनिवर्स का नाम दिया है SSU, सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। इवन टॉम हार्डी ने कहा है कि वो आने वाले फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज में भी अपने रोल को रिप्राइज करना चाहेंगे, क्योंकि नल जैसा विलेन सेटअप करना अगर चाहते हैं सोनी वाले तो उसके लिए वेनम तो चाहिए ही चाहिए अलोंग साइड स्पाइडरमैन। एंड वो कहानी एवेंजर से भी ज्यादा बड़ी है, सो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सोनी इसे कैसे पुल ऑफ करता है। बाकी एक सवाल ये भी है कि इज वेनम डेड एंड लास्ट में जो फीमेल सिम्बियोट थी वो कौन है एंड वो दोबारा हमें देखने को मिलेगी या नहीं। तो देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एक छोटा सा वेनम का हिस्सा जिसे एक वायल में कैप्चर किया था वो टूटा हुआ होता है, सो प्रोबेबली वो हिस्सा वेनम का या तो एडी को फिर से मिल जाएगा या फिर वो कोई नया होस्ट ढूंढ लेगा, मे बी शायद पीटर पार्कर। तो ये तो पक्का है कि वेनम इज अलाइव। बाकी रही बात उस फीमेल सिम्बियोट की, तो उसका नाम होता है एग्नी, जो कि कॉमिक्स में तो विलन होती है वेनम की तरह, बट यहाँ मे बी उसे एज ए एंटी हीरो दिखाएंगे। एंड यहाँ एग्नी को उन्होंने सुपर स्पीड वाली पावर दी है, जिस वजह से वो काफी प्रोमिनेंट लगती है, क्योंकि सोनी अभी से अपने वेनम वर्स को सेटअप कर रहा है, बिकॉज ये सारे मिलके सामना करेंगे नल का एंड इनका साथ देगा अपना स्पाइडरमैन भी अलोंग साइड एवेंजर्स। ओ यस, अगर सोनी इसे कॉमिक एक्यूरेट रखना चाहता है तो इट विल बी एवेंजर्स सिम्बियोट्स स्पाइडरमैन वेनम अगेंस्ट नल, बट आई थिंक वो हमें अगले 10-15 साल से पहले देखने को नहीं मिलेगा, सो आराम से पेशेंस मार के बैठे रहो। तो ओवरऑल वेनम द लास्ट डांस एक डिसेंट मूवी लगी मुझे, स्पेशली मैडम वेब एंड मॉर्बियस से तो लाख अच्छी। एंड इसके फ्यूचर का तो पता नहीं, बट नल को देखना इंटरेस्टिंग होगा अपने फुल फॉर्म में एंड बस उम्मीद यही है कि सोनी इसे अच्छे से संभाल ले। सो दैट्स इट आज के लिए, बस
इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय।